नमस्कार, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, मैं अभिसार शर्मा। और आज बिहार सियासत वाकई बहुत गर्म है। उसकी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर चुके हैं। और यही नहीं, उनको चुनौती देने के लिए दिल्ली से ही कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस वक्त मैदान में हैं। और आज ये कहा जा सकता है कि बिहार सियासत, बिहार चुनावों को लेकर एक बहुत ही निर्णायक दिन रहा। चार किरदार हैं इस वक्त आपके सामने जो कम से कम आज अपनी दस्तक देते दिखाई दिए। पहला, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो निर्विवाद रूप से इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दूसरे, कांग्रेस से वायनाड के सांसद राहुल गांधी, जो कि लगातार इस सरकार को चुनौती दे रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। तीसरे, तेजस्वी यादव, द चैलेंजर इन चीफ टू नीतीश कुमार, और यकीनन इस वक्त बिहार की पृष्ठभूमि के सबसे लोकप्रिय नेता। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त तेजस्वी यादव को मिल रही है वो अप्रत्याशित है। आज जो कम से कम मैंने देखा, मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जिस तरह की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, उससे भी ज़्यादा करंट ऑडियंस में था तेजस्वी यादव को लेकर। और चौथा और आखिरी नाम नीतीश कुमार का, क्योंकि आज जब सासाराम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, तो जब नीतीश कुमार लगातार बोल रहे थे तो उस वक्त लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। खुद भारतीय जनता पार्टी समर्थक नीतीश कुमार को नहीं सुनना चाहते। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता इस वक्त अपने न्यूनतम स्तर पर है। मगर जैसे मैंने कहा ना, इन चार चेहरों में आज का मैन ऑफ द मैच यकीनन एक बार फिर तेजस्वी यादव रहे। उसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। जब राहुल गांधी के साथ उनकी नवादा में साझा रैली हुई और जब तेजस्वी यादव आए मंच पर, यकीन मानिए राहुल गांधी से कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त प्रतिक्रिया उनको मिली। उनके एक एक शब्द पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे। और मैं आपको उनका एक बयान सुनाना चाहूँगा और फिर मैं बात करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 तारीख को लालू जी को की रिहाई होने वाली है, बेल मिलने वाली है, मेरा जन्मदिन है, और 10 को नीतीश की विदाई। अब देखिए जनता की क्या प्रतिक्रिया है और वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं। भाई लोग, 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाई। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो हिसुआ की जनता जिंदाबाद। वैसे अपने इस भाषण में कई बार जनता बिल्कुल उनके एक एक शब्द को ले रही थी। और दोस्तों, मैं लगातार उनके भाषणों पर जो निगाह डाल रहा हूं, तेजस्वी यादव की इस वक्त लोकप्रियता आसमान पर है। मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। मुझे लग रहा था कि महागठबंधन का जो पूरा चुनावी अभियान है वो बिखर जाएगा, मगर तेजस्वी यादव ने वाकई हम सब की, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम पत्रकार हैं, उनकी आंखें खोल कर रख दी हैं जिस तरह की उनको प्रतिक्रिया मिल रही थी। और तेजस्वी यादव को लेकर बौखलाहट हम नीतीश कुमार में लगातार देख रहे हैं। मैंने एक उनके चुनावी मंच से देखा किस तरह से जो जनता वहां पहुंची है, नीतीश कुमार बौखलाहट में उन्हें भी अनाप शनाप चीज़ें कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो कभी पर्सनल कमेंट्स नहीं करते थे, पर्सनल अटैक नहीं करते थे, वो तेजस्वी यादव के बारे में न जाने क्या क्या बातें बोल रहे हैं। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी इस वक्त पूरी तरह से बौखला गए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हाव भाव में, सासाराम की उस रैली में नीतीश कुमार को लेकर एक किस्म की असुरक्षा दिखाई दी। कैसे, आप खुद सुनिए। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। मगर आप जानते हैं, आज ये दो चेहरे थे बिहार की सियासी पृष्ठभूमि में या सियासी जमीन पर, राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे बहुत अटपटा लगा जब बिहार के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गालवान घाटी में या लद्दाख में जो हमारे 20 सैनिक मारे गए या शहीद हुए, उस मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष तौर पर या इनडायरेक्टली वोट मांगते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री, आपको इस मुद्दे पर खामोश रहना चाहिए था, क्योंकि अब तक आपने इस देश की जनता को यह नहीं बताया है कि चीन हमारी जमीन पर कहां तक आके बैठा है। आपने तो यह तक कह दिया था इस देश की जनता को कि चीन घुसा ही नहीं, जबकि बाद में खुद रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज, रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक प्रतिक्रिया में कहा था कि हाँ, वो हमारी जमीन पर घुसे। संसद के अंदर दिए गए बयान में ये बात स्पष्ट हुई कि हाँ, वो हमारी जमीन पर घुसे। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और प्रधानमंत्री ने आज भी उनके और पुलवामा के नाम पर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर वोट मांग लिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। मुझे लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। और राहुल गांधी ने जब नवादा में इसी मुद्दे को उछालकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। सवाल ये है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है। मुझे ताज्जुब इस बात पर भी हुआ दोस्तों, जब प्रधानमंत्री ने जो हमारे तमाम मजदूर जिन्होंने 1200 किलोमीटर चलकर दिल्ली से बिहार तक का सफ़र तय किया, उसके बारे में पूरी तरह से खामोश रहे। और इसी मुद्दे को पकड़कर राहुल गांधी ने उन पर करारा हमला बोला है, क्योंकि ये मुद्दा जो है लगातार गले की फांस बन गई है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो बिहार चुनावों के नतीजे आने वाले हैं ना, ये नतीजे शहरी बिहार अलग राय व्यक्त करने वाला है और जो ग्रामीण बिहार है वो अलग राय व्यक्त करने वाला है। हालांकि मैंने कहा अभी बहुत वक्त है, पोलिंग डे आएगा, उस वक्त तक क्या हालात हो जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी अपने भाषण में कहा है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको भ्रमित नहीं होना है। कहीं ना कहीं महागठबंधन को इस बात का डर है। मैदान में जब योगी आदित्यनाथ होंगे तो जाहिर सी बात है, बात हिंदू मुसलमान की होगी, जाहिर सी बात है JNU की बात होगी, पाकिस्तान की बात को उछाला जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर जो खासकर मजदूरों ने जिस तरह से पलायन किया, उसको लेकर रक्षात्मक मुद्रा में है मोदी और खुद नीतीश कुमार। क्या कहा इस पर राहुल गांधी ने, आप सुनिए। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ, पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के उन 15 सालों की बात की जब लालू प्रसाद यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। यकीनन उस वक्त के राज्य के कई ऐसे मौके थे जिसे जंगल राज के साथ जोड़ा जा सकता है, मगर आप भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव या कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री जो पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ है, उसके राज में जो भी कुछ होता है उसे आप और हम, मेरे जैसे अगड़ी जाति के पत्रकार या अगड़ी जाति के विश्लेषक या जो शहरों में बसने वाला फॉरवर्ड कास्ट हिंदू है, वो बहुत आसानी से जंगल राज की संज्ञा दे देता है। मगर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर हम लोग जंगल राज की बात नहीं करते हैं। मगर प्रधानमंत्री ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस दौर की बात की, मगर एक बात जो मेरे गले नहीं उतर पाई जब उन्होंने नारी अस्मिता की बात की। पहले आप उनकी बात सुनिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी, वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाए माता पिता की सांस अटकी रहती थी। तो प्रधानमंत्री, जब आपने नारी अस्मिता की बात की और आपने बात किया कि किस तरह से महिलाएं उस वक्त डरती थीं, जो एक हकीकत है, यकीनन लालू के उस 15 साल के राज में कानून व्यवस्था, सुरक्षा एक बहुत बड़ा पहलू था। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीतीश जी का राज तो सुशासन का राज था ना, तो फिर ये मुझे बताइए कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 बालिकाओं ने, बच्चियों ने ये कहा कि उनके साथ बलात्कार हुआ। इस चेहरे को देखिए, ब्रजेश ठाकुर। यह आदमी खुलेआम पुलिस की हिरासत में हंस रहा है। पुलिस को ये पता चला कि इसकी लंबी चौड़ी बातचीत होती थी मंजू वर्मा के पति के साथ, जो कि विधायक ही नहीं मंत्री थी, जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और आपके होते हुए मोदी जी, मंजू वर्मा को फिर से टिकट दे दिया गया। ऐसे में जब आप नारी अस्मिता की बात करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है मोदी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इसमें वज़न नहीं है, इसमें ज़ोर नहीं है, क्योंकि कथनी और करनी के बीच का फ़र्क साफ तौर पर दिखाई देता है। नारी अस्मिता, यकीन मानिए, नीतीश के पिछले 3 साल के राज में बहुत ही दयनीय हालत में थी, क्योंकि लगातार, मुझे याद है 3-4 साल से मैं लगातार देख रहा था लड़कियों की छेड़खानी की तस्वीरें, उनकी बलात्कार की तस्वीरें, जो लोग व्हाट्सएप वीडियो बनाकर उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने उभर कर आती थी बिहार से। और ये हो रहा था बिहार के सुशासन में। और सबसे बड़ी बात, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज जुड़े हुए थे, और उस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया है। उसकी जांच करेगा भी कौन, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार। इसलिए जब आप महिलाओं की अस्मिता की बात करते हैं तो वो बात हजम नहीं होती। दोस्तों, यकीनन इस वक्त सत्ता में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा सवाल उनसे किए जाएंगे। इसलिए अगर आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार को कटघरे पे क्यों रख रहा हूँ या प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड पर ही सवाल क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि आप सत्ता में थे, आपने नीतीश कुमार को लगातार गालियाँ दी, आपने जंगल राज की बात की। मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री ने 2015 में नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा था। नीतीश कुमार को गुनाहगार तक ठहरा दिया था लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के लिए। सुनिए उनकी बात। लेकिन ये नीतीश बाबू का पाप है कि वो जंगल राज जो जनता ने गाड़ दिया था उसको फिर से निकाल करके मैदान में ले आए हैं। ये पाप की सजा नीतीश बाबू को देनी पड़ेगी भाई, ये पाप की सजा नीतीश बाबू को देनी पड़ेगी। तो ये 2015 में प्रधानमंत्री ने कही थी। और आज जब वो सासाराम में आम जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि साहब, हम और नीतीश कुमार तो सिर्फ 3 साल साथ थे। यानी कि नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर भी प्रधानमंत्री रक्षात्मक मुद्रा में, कहीं ना कहीं एक किस्म का उनमें नर्वसनेस है, नरभसाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो सिर्फ 3 साल के राज की बात करते हैं जिसमें वो और नीतीश साथ थे, या बीजेपी और नीतीश साथ थे। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। मगर आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में आपकी अपनी राय क्या थी। आपने नीतीश कुमार को इस बात के लिए दोष दिया था कि आपकी वजह से बिहार का जंगल राज फिर से वापस आ गया है। आपने नीतीश कुमार को लगातार उनके डीएनए तक पर सवाल उठा लिया और आज आप लोग एक साथ हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कश्मीर के अंदर आप पहले तो लगातार महबूबा मुफ्ती को गाली देते हैं, फिर उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके साथ 3 साल सरकार चलाते हैं और फिर अचानक रहस्यमय कारणों से आप उनके साथ हाथ अलग कर लेते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आपसे सवाल किया जाएगा और आप सत्ता में हैं। याद रखिए, चुनाव बेशक लड़ाई हो 2 पक्षों के बीच में या 3 या 4 पक्षों के बीच में, मगर जो सत्ता में है सवाल उससे किया जाएगा, क्योंकि 15 साल तक वो राज कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार के साथ हमारा सिर्फ 3 साल का राज था। जी नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार का 15 साल का राज था। यकीनन बिहारी अस्मिता को बढ़ाने में उनका काम रहा है। मैंने शराबबंदी को लेकर जो उनके कदम था उसकी तारीफ़ की है। मैंने देखा है 2015 में किस तरह से गांव-गांव तक सड़कें बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। मगर पिछले 3 साल जिस तरह से गुजरे हैं या पिछले जो 5 साल उनके जिस तरह से गुजरे हैं, वो अपने आप में नीतीश कुमार पर कई सवाल कर रहा है। नीतीश कुमार खुद इस वक्त बहुत नर्वस हैं, वो जानते हैं, और यही वजह है कि उनकी बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है। बहरहाल, आज एक बहुत अहम दिन था। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप, SMS के ज़रिए, ताकि आप और हम मिलके गोदी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।